को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वो शहीद हो जाता है उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, उसके सम्मान में देने वाला कोई नहीं है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ गवर्नमेंट बहुत अन्याय कर रही है। आज हम यहाँ इकट्ठे होके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह संदेश देना चाहते हैं। आज देश के लिए बहुत अहम दिन है क्योंकि 2019 में पुलवामा अटैक में 40 जवान शहीद हुए थे। उसी के लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जो देश भर के पैरामिलिट्री फोर्स के जो रिटायर कर्मचारी है यहाँ पर पहुँचे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और भी तमाम मांगे हैं, वन पेंशन वन रैंक को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथ तमाम जो रिटायर कर्मचारी हैं। सर क्या नाम है, पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम PS संधू जी, प्रेजिडेंट पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन पंजाब। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली पहुंचे और आज पुलवामा के जो शहीद हुए थे आज जंतर मंतर में हमारी जो कन्फेडरेशन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स मारिटायर एसोसिएशन है उसके चेयरमैन श्री HR सिंह जी, एडिशनल DG CRP की तरफ से, और हमारे श्री SS कुठियाल, इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पंजाब और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उत्तराखंड के वो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से और श्री रणवीर सिंह जी तरफ से जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से जंतर मंतर में आज एक धरना प्रदर्शन भी करना है। और उससे पहले हमने जो हमारे 40 जवान CRPF के शहीद हुए थे 14 फरवरी 2019 को, उनको हमने श्रद्धांजलि देनी है। उसके साथ ही हमने जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शहीद हुए हैं हिंदुस्तान के, सभी को आज हम श्रद्धांजलि देंगे। और श्रद्धांजलि के बाद हम एक शांतिपूर्व धरना देंगे, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट से ये बेनती करेंगे कि हमारी जितने भी पेंडिंग के इश्यूज हैं, पेंडिंग हमारी मांग है, डिमांड्स हैं गवर्नमेंट के पास, उनको सॉल्व करें, उनको सॉर्ट आउट करें। क्योंकि हमारी ड्यूटी जो है वो आर्मी से बराबर नहीं है बल्कि आर्मी से ज़्यादा है। 24 घंटे हमारी ड्यूटी है, चाहे BSF हो, चाहे CRPF हो, चाहे ITBP हो, चाहे CISF हो, हमारी ड्यूटी आर्मी से ज़्यादा है। हम 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। अगर बॉर्डर में ड्यूटी ना दें तो जनता पब्लिक सो नहीं सकती रात को। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे को वही सहूलतें नहीं मिल रही है जो आर्मी को मिलती है, हमारे को वो रिस्क अलाउंस, वो पैसा, वो सैलरी नहीं मिलती है जो आर्मी को मिलती है। एक आर्मी का नायब सूबेदार पेंशन आता है और एक पैरामिलिट्री फोर्स का SP रैंक का अफसर, उसकी पेंशन बराबर होती है। वो गस्टेड अफसर आता है, एक नायब सूबेदार आता है, उनकी पेंशन बराबर है। हमारे को मार्टर्स का स्टेटस का दर्जा नहीं मिलता है, हमारे को GST माफ़ नहीं है, हमारा सैनिक बोर्ड भी नहीं है, हमारे CGHS डिस्पेंसरियों की प्रॉब्लम है। अगर उत्तराखंड में जाओ, पहाड़ी इलाके में जाओ, एक देहरादून एक जगह है, वहाँ है ओनली डिस्पेंसरी। अब बताओ CGHS डिस्पेंसरी देहरादून में, इतने पहाड़ी इलाकों में कैसे आएंगे रिटायरमेंट, कैसे आएंगे उनके परिवार, कैसे आएंगे उनके बच्चे इतनी दूर से दवाई लेने के लिए। ऐसे ही बाकी स्टेटों में है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो कोई भी है, सभी जगह में डिस्ट्रिक्ट लेवल में CGHS की डिस्पेंसरी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी उसका फायदा है। अभी जो है आयुष्मान के साथ इसको लिंक किया जा रहा है, जो नहीं करना चाहिए। हमारा CGHS को उसके साथ लिंक ना करे गवर्नमेंट, हमारे जितने भी हैं पेंडिंग इशू है उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। हम लोग जो है बड़ा दुख से कहना पड़ते हैं, हमारे को आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। हम पहले भी जंतर मंतर में धरना दिए हैं 2 बार, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अभी हम थोड़ा सा एक चेतावनी देना चाहते हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, श्री मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि माननीय मोदी साहब हमारी मांगे पूरी करो, जो सुविधाएं आर्मी को मिलती हैं वो पैरामिलिट्री फोर्स को दो, वरना जो 2024 में इलेक्शन आएंगे क्या लोकसभा के, हम गवर्नमेंट को वोट नहीं डालेंगे, हम दूसरी गवर्नमेंट को वोट डालेंगे जो गवर्नमेंट ये वादा करेगी कि पैरामिलिट्री फोर्स की हम जिम्मेदारी लेते हैं, उनके परिवारों की जिम्मेदारी लेंगे, हम उनको सारे वो बेनिफिट्स देंगे, सारी सुविधाएं देंगे जो आर्मी को मिलती है। इसलिए आज हमारा जंतर मंतर में शांतिपूर्व धरना करने का ये मकसद है। कितने जो रिटायर ऐसे जवान होंगे पूरे देश भर में जो ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं और कितने समय से आप ये मांग कर रहे हैं? आज की डेट में देखो जी, पैरामिलिट्री फोर्स के कोई 20 लाख के पास टोटल सर्विस करते हैं और 7-8 लाख जो रिटायरीज हैं और उनके परिवार हैं आगे बहुत सारे, सभी स्टेटों से यहाँ आज लोग इकट्ठे हुए हैं, मजबूरी से लोग आए हैं, तेलंगाना से लोग आए हैं, महाराष्ट्र से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, हम लोग पंजाब से कल से चले हुए हैं, हमारी 2 ट्रेनों में लोग अभी भी आ रहे हैं, वो ट्रेनें वहाँ रुकी हुई है। तो हम लोग इतनी धक्के खा के आ रहे हैं, हमारे को कोई खुशी से नहीं जहाँ आ रहे हैं,
तो हमारी मांगे गवर्नमेंट क्यों नहीं पूरी करती? हमारी मांगों को मानना चाहिए। हमारे साथ हमारी बहनें आई हुई हैं, हमारी माताएं आई हुई हैं, देखो केरला से रिटायरीज आई हुई हैं, केरला से लेडीज आई हुई हैं, बच्चों के साथ आई हुई हैं। अभी भी गवर्नमेंट हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हमारे को कितना दुख लगेगा, क्या कितना मराल डाउन होगा हमारे जो सर्विस करते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। तो आप वन पेंशन वन रैंक की बात कर रहे हैं, सरकार ने पेंशन में बदलाव किया है, न्यू पेंशन स्कीम शुरू की है और कुछ ऐसी सर्विस है जहाँ पर पेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो उससे जो वन रैंक जो वन पेंशन की आप डिमांड कर रहे हैं उस पर इफेक्ट आप देखते हैं कि? देखो जी, वन रैंक वन पेंशन का मतलब तो यही है कि जो आर्मी को वन रैंक वन पेंशन का डिसीजन गवर्नमेंट ने दिया है वो पैरामिलिट्री फोर्स को भी होना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है जिस रैंक से रिटायर आए हो उसी रैंक की पेंशन मिलेगी, इसलिए इसका नाम वन रैंक वन पेंशन है। और जो पुरानी पेंशन लागू करने का हमारा मतलब ये है, जो आदमी पैरामिलिट्री फोर्स का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती हुआ है उसको पेंशन लागू नहीं है। उसको जब पेंशन ही नहीं मिलेगी उसका परिवार कैसे गुजारा करेगा, वो आदमी कैसे गुजारा करेगा? हमारे को न्यू पेंशन स्कीम लागू नहीं, मंजूर लागू नहीं है, हमारे हम नहीं मानते उसको, इसलिए हमारे को पुरानी पेंशन को ही बहाल करना चाहिए। पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 फरवरी 2023 को डिसीजन दिया है, जजमेंट दिया है, उस जजमेंट को 11 जनवरी 2023 को, तो उसको गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। अगर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश नहीं गवर्नमेंट मानेगी तो फिर बताओ कितना दुख होगा हमारे को, हमने कोर्ट में जाना पड़ा, हमारे को कोर्ट के धक्के खाने पड़े तब जाके कोर्ट ने ये फैसला दिया है। हम कोर्ट का भी, दिल्ली हाई कोर्ट की, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड जवानों की या सर्विस जवानों की सुनी है और ये फैसला दिया है। अब ये गवर्नमेंट को ज़रूर मान लेना चाहिए। आज हम इतनी दूर से जहाँ एकत्र होकर अपनी ये मांग लेके आए हैं, श्रद्धांजलि देने के बाद हमारी यही मांग है गवर्नमेंट के पास कि हमारी जो भी पेंडिंग इशूज़ है उनको सॉर्ट आउट किया जाए ताकि हमारे को खुशी हो। कभी सरकार से बातचीत हुई इस मामले में, वार्ता हुई है क्या, तो सरकार ने क्या कहा? हमने इससे पिछले साल भी अपने जंतर मंतर में ऐसे शांतिपूर्व धरना लिया था, उससे पिछले साल भी लिया था, उसके पास भी उस टाइम भी हमारी यही मांगे थी, हमने रिटर्न में भी किया है, हमने मीटिंग्स भी की है। फिजिकल मीटिंग हुई जो डिफेंस मिनिस्टर से जहाँ? और हाँ, हमारी फिजिकल मीटिंग हुई है, अभी हमारे एडिशनल DGHR साहब मिल के आए थे, अभी हमारे रणवीर सिंह जी मिल के आए हैं, हमने माननीय राष्ट्रपति जी को भी एक मेमोरेंडम दिया है, हमारे रणवीर सिंह जी जाके अपनी टीम के साथ दे के आए हैं, और मेमोरेंडम वित्त मंत्री मैडम को भी, मैडम उनको भी दे के आए हैं, तो फिर भी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। तो क्या कहेंगे, मेरा लास्ट सवाल है कि क्या इतने साल आपने देश के लिए सर्विस की है, वहाँ पर घर से दूर रहे हैं, देश के लिए सर्विस की है, तो आज सर्विस के बाद रिटायरमेंट के बाद आपको अपनी हकों के लिए यहाँ पर धरने पर खड़ना पड़ रहा है? देखो जी, जब हम ड्यूटी करते थे, जब हम नौकरी करते थे, हम लोगों ने भी बहुत पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाकों में, जंगलों में, मच्छर, जहाँ मलेरिया प्रोन एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ नौकरी की है, तब भी हम अपने परिवारों से दूर रहते थे। साल के बाद छुट्टी मिलती थी, तब जाके एक महीना हम छुट्टी काट के वापस आते थे। हमारे लिए तो वो तब भी प्रॉब्लम थी, ड्यूटी के दौरान भी प्रॉब्लम थी, कई किस्म की टेंशनें थी, अब रिटायरमेंट के बाद भी हमारे को टेंशन है, रिटायरमेंट के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है, फिर क्या फ़ायदा हुआ हमारे को देश की सेवा करने का? हमने देश की सेवा की, हमने बेल्ट बांध रखी 35 साल, अभी मैं 40 साल नौकरी करके आया हूँ, 40 साल हमने बेल्ट बांध रखी, पेट को बांध के रखा, गवर्नमेंट के लिए बांध के रखा, पब्लिक के लिए बांध के रखा, ताकि पब्लिक शांति से सो, अगर उसका भी हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के आने के बाद भी हमारे को 40 साल अपने पेट को बांध के रखने का भी कोई बेनिफिट नहीं है अगर गवर्नमेंट हमारी मांगे नहीं मानेगी। तो एक और है कि सरकार ने जो अग्निवीर योजना शुरू की है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो आप डिमांड कर रहे हैं जो ऑन ड्यूटी हैं अभी, जहाँ सिपाही हो, जहाँ जो रैंक पर हैं, क्या वो इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं? देखो, जो अग्निवीर है, गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल अपना दिया है और हो रहे हैं लोग भर्ती, इसमें लोग खुश नहीं हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इसके साथ सहमत नहीं है। देखो, 4 साल नौकरी करके उसको कोई पेंशन नहीं है, इसमें वही लोग जा रहे हैं जिसका कोई रोज़गार नहीं है,
जो गरीब है जिसका कोई रोजगार नहीं है उसका इंटरेस्ट है कि चलो चार साल जाएंगे 30,000 रुपया पर मंथ उन्होंने फिक्स किया हुआ है तो कम से कम चार साल में कुछ 5-7 लाख रुपये आ जाएगा, उसके बाद वो घर भेज देंगे, उसको कहीं नहीं है, कोई वो नौकरी और नहीं कर सकता, कोई उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये चार साल वाला तो हमारे मानने में नहीं है, ना ही हम इसका समर्थन करते हैं। और जो आप डिमांड कर रहे हैं क्या वो जो आपके ही जो स्टाफ के हैं जब ऑन ड्यूटी हैं वो समर्थन करते हैं आपके? हाँ बिल्कुल, जो सर्विस कर रहे हैं ड्यूटी कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, बस वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो बेल्ट फोर्स है, बेल्ट लगी हुई है, वो डिसिप्लिन में है, वो बोल नहीं सकते हैं। हम उनको बोलने के लिए बोल भी नहीं रहे, हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि आप डिसिप्लिन को कुछ तोड़ के अपना काम करो, पर वो अंदर से सहमत तो है, उनके लिए भी है, कल को वो रिटायर आएंगे उनके लिए बेनिफिट के लिए भी है, पर वो बोल नहीं सकते, ना ही हम उनको सजेशन देंगे। उनका नौकरी का मसला है, वो अपनी ड्यूटी करें अपने दिमाग से विदाउट टेंशन ड्यूटी करें। हम लोग जो रिटायर हैं हम उनके परिवारों की भी देखभाल करेंगे, हम उनकी भी देखभाल करेंगे, उनके बच्चों की देखभाल करेंगे, गवर्नमेंट को भी मांगे मनवाने के लिए हम गवर्नमेंट से बेनती करेंगे, उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, एक हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वन पेंशन वन रैंकिंग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से ही निवेदन कर रहे हैं कि जो वन पेंशन वन रैंक की जो डिमांड कर रहे हैं वो उनकी तुरंत पूरी की जाए। कैमरामैन दविंदर सिंह के साथ रविंदर सिंह, MNTV दिल्ली।